हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज में हम पहुंच चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फोर्थ लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने मोनेरा प्रोटिस्टा को कवर किया और इस लेक्चर में हम फंजाई को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो किंगडम फंजाई है उसमें केवल जो फंजाई किंगडम में होते हैं वो केवल और केवल हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि वे अपना फूड खुद ही खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। किंगडम फंजाई के जितने भी मेम्बर्स हैं सबकी मॉर्फोलॉजी, सबकी जो एक्सटर्नल अपियरेंस है और उनका जो हैबिटेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डाइवर्स होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस मतलब अलग अलग फंजाई का शेप बहुत ज़्यादा अलग होता है, यानी कि फंजाई बहुत ज़्यादा शेप में वैरी करते हैं। और हैबिटेट का क्या मतलब हुआ कि कई फंजाई एक्वेटिक होंगे, तो कोई फ्रेश वाटर होगा, कोई मरीन होगा, कोई डैम्प और सैडी प्लेसेस पे पाया जाएगा। तो मतलब इनका हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग, मतलब ये अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। आपने फंजाई को मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन, यानी कि जो फ्रूट सड़ने लगता है वहाँ पे आपने देखा होगा, जो ब्रेड रख दिया जाता है 2-3 दिन के लिए वो मॉइस्ट कंडीशन में वहाँ पे फंजाई ग्रो कर जाते हैं। और जो फ्रूट सड़ने लगता है वो किसकी वजह से सड़ता है, वो फंजाई की वजह से सड़ता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर आल्सो फंजाई, यानी कि जो कॉमन मशरूम हम लोग खाते हैं सब्जी बना के वो, और जो टोड स्टूल होता है ये भी दोनों के दोनों कैसे हैं, फंजाई हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। जो वाइट स्पॉट देखने को मिलता है मस्टर्ड के लीफ पे वो भी किसकी वजह से होता है, पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। और इस फंगस का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडस। सम यूनिसेल्यूलर फंजाई जैसे कि ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, यानी कि फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन जो ईस्ट होता है वो यूनिसेल्यूलर है, ये एक्सेप्शन है फंजाई का। इसका यूज होता है ब्रेड और बियर बनाने के लिए। अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बहुत सारे फंजाई प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। वी जैसे कि वीट रस्ट काजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे कि पक्सीनिया क्या करता है, ये वीट रस्ट काज करता है, गेहूं में रस्टिंग कर देता है पक्सीनिया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स के सोर्स हैं, यानी कि कुछ फंजाई से एंटीबायोटिक्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड ऑकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि फंजाई जो है वो सर्वव्यापी हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह फंजाई पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी, सॉइल में भी, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या पाए जा सकते हैं, फंजाई पाए जा सकते हैं। दे प्रीफर टू ग्रो ऑन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फंजाई वहीं पे ग्रो करेगा जहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, वार्म, यानी कि वहाँ पे गर्मी होनी चाहिए, एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब नमी होनी चाहिए, यानी कि वो प्लेस गर्म होना चाहिए और वहाँ पे नमी होनी चाहिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। तो इसके लिए आंसर है क्योंकि फूड जो है वो जो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको नमी तो मिल जाती है लेकिन टेम्परेचर उतना नहीं मिल पाता कि ये सब ग्रो करें, इसीलिए हम लोग कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में फूड रखते हैं। यस इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल आर फंगल इन्फेक्शन, मतलब कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग फूड को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर फंजाई आर फिलामेंटस, यानी कि जो ईस्ट है वो यूनिसेलर है लेकिन मोस्टली फंजाई कैसे होते हैं, सब फंजाई कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो ईस्ट क्या हो गया, फंजाई का एक्सेप्शन हो गया, ये यूनिसेल्यूलर होता है और फंजाई फिलामेंटस होते हैं।
और फंजाई की बॉडी, दियर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, यानी कि जो फंजाई होती हैं, फंजाई होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है, थ्रेड लाइक होती है, इसको हाइफी बोलते हैं। आप लोग ये वाला डायग्राम देखिए, ये हाइफी है, ये हाइफी है, ये हाइफी है, यानी कि ये लॉन्ग हैं, कैसे हैं, लॉन्ग हैं, लॉन्ग हैं, स्लेंडर हैं, सिलेंडर लाइक हैं, लॉन्ग हैं, स्लेंडर लाइक हैं, और ये जूम करके डायग्राम दिखाया गया है, ये बहुत पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, इनको हाइफी बोलते हैं, यानी कि हाइफी कैसा होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर सिलेंड्रिकल होता है, और थ्रेड लाइक पतले पतले धागे की तरह होता है, इसको हाइफी बोलते हैं। और इनके नेटवर्क को, मतलब सारे हाइफी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, यानी कि जितने भी फंजाई हैं उनमें क्या पाया जाता है, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पतले पतले पाए जाते हैं, और इनके नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं माइसीलियम, और एक सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफी, इनको बोलते हैं हाइफी, इनको बोलते हैं माइसीलियम। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सीनोसिटिक हाइफी, यानी कि कुछ जो हाइफी होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि उनमें सेप्टा या कोई भी वॉल नहीं होती है जो उनको, मतलब उनको सेप्टेट कर पाए, उनको ब्रांचिंग कर पाए, इसीलिए वो मल्टी न्यूक्लियेट हो जाते हैं। और ऐसे हाइफी जिनमें मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन पाया जाता है, इसको बोलते हैं सीनोसिटिक हाइफी। जैसे मैं ये जूम इन कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग ये वाला डायग्राम देखिए, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले डायग्राम में ये सेप्टा बनाया हुआ है, यहाँ पे सेप्टा, यहाँ पे सेप्टा, यहाँ पे सेप्टा, तो हर एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे यूनी न्यूक्लियेट कंडीशन है, लेकिन इसमें देखिए कोई भी सेप्टा, इस डायग्राम में सीनोसिटिक ये वाला डायग्राम, यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं दिख रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, देखिए कहीं पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और इनमें मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन इनमें पाया जाता है। तो क्या लिखा है इन्होंने, सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सीनोसिटिक हाइफी, ऐसी कंडीशन जिसमें कॉन्टिन्यूअस होते हैं हाइफी और जिनमें कोई भी सेप्टा या ब्रांच नहीं पाया जाता है, ऐसे हाइफी को बोलते हैं सीनोसिटिक हाइफी। और सीनोसिटिक हाइफी हमेशा कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लियेट होगा, कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लियेट, जितने भी सीनोसिटिक हाइफी होते हैं सब के सब कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन इनमें पाई जाती है। अदर्स हैव सेप्टेट आर क्रॉस वॉल इन दियर हाइफी, और इसके अलावा जितने भी हैं सब में सेप्टेट आर क्रॉस वॉल पाया जाता है, जैसे इस वाले डायग्राम में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सेप्टा पाया जा रहा है, यहाँ पे सेप्टा पाया जा रहा है, तो ये सब सेप्टेट होते हैं, और ये सेप्टेट होंगे तो इनमें मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन नहीं होगा, जितने भी सेप्टेट हाइफी होंगे वो मल्टी न्यूक्लियेट नहीं होंगे, यूनी न्यूक्लियेट कंडीशन में पाई जाएगी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कम्पोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, यानी कि जितने भी फंजाई हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की। स्टूडेंट सब, सारे स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि सारी जो फंजाई की सेल वॉल हो काइटिन की, लेकिन सबको ये बात नहीं पता रहती कि ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। तो अभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि द फंगल फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए दे दिया काइटिन, ऑप्शन बी दे दिया पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन सी दे दिया बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ द एबव, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बस काइटिन मार देंगे, लेकिन यहाँ पे बोथ ए एंड बी मारना पड़ेगा, क्योंकि काइटिन की भी बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है इनकी सेल वॉल। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक, ज़्यादातर फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्राम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, और ये अपना जो मैटर है, फूड मैटर है, वो कहाँ से लेते हैं, डेड सबस्ट्रेट, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ से अपना सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फूड, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। ऐसे फंजाई जो डेड सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ऐसे प्लांट्स
ऐसे फंजाई जो कि लिविंग प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट। दे कैन आल्सो लिव ए सिम्बियॉन्ट्स, वे लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। फंजाई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं, जैसे कि ये एल्गी के साथ, फंजाई जब एल्गी के साथ मिलता है तो लाइकेंस बनाता है, और ये जब हायर प्लांट्स जैसे कि माइकोराइजा बनाता है, हायर प्लांट्स मतलब जैसे पाइनस के साथ, जब फंजाई पाइनस के साथ मिलता है तो माइकोराइजा एसोसिएशन होता है, और लाइकेंस और माइकोराइजा दोनों के दोनों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाई वेजिटेटिव, मीन्स वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन फिजन बढ़ेंगे, आई थिंक, यानी कि जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होती है वेजिटेटिव हो सकती है। वेजिटेटिव में कौन कौन सा, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकती है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है स्पोर फार्मेशन के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन फिजन बडिंग से कर सकते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब स्पोर फार्म करके कर सकते हैं। और स्पोर कौन कौन से होते हैं, कोनिडियो स्पोर जिसको कोनिडिया बोलते हैं, स्पेरेंजियो स्पोर और जू स्पोर्स, तीन तरह के ए सेक्सुअल स्पोर इनमें पाए जाते हैं। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऊ स्पोर एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, और ये जितने भी स्पोर हैं सब के सब कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ पे बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स, इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है उनमें तीन स्टेप्स होती है, पहली प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हुआ, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और कैरियोगैमी का क्या मतलब हुआ, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई। कैरियन का सब मतलब कहीं भी बायोलॉजी में कैरियन शब्द आ जाए उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब होता है फ्यूज़न। तो प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न, कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूज़न, और मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, यानी कि डिप्लॉइड सेल को हाफ कर देना। तो सेक्सुअल साइकिल कैसे होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस, ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, पहले प्लाज्मो फिर कैरियो फिर मियोसिस, क्योंकि एमसीक्यू में सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछ देता है कि किस स्टेज में किस सीक्वेंस में ये सब होता है, तो पहले प्लाज्मो होता है फिर कैरियो फिर मियोसिस। अब फ्यूज़न ऑफ, पहला हम लोग पढ़ते हैं, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल आर नॉन मोटाइल गैमिट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न दो मोटाइल या दो नॉन मोटाइल गैमिट्स के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, और दो न्यूक्लियस के बीच में होगा तो इसको कैरियोगैमी। और मियोसिस, अब जायगोट डिप्लॉइड होता है, वहाँ पे अगर मियोसिस होगा तो मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड को हैप्लॉइड कर देता है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स फार्म हो जाएंगे। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस जो फंजाई है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, यानी कि जब फंगस जो है फंजाई रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हैप्लॉइड हाइफी आएंगे, दो कंपैटिबल मतलब ऐसे ऐसे फंजाई जो रिप्रोड्यूस कर सकें, कंपैटिबल हों वो, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, हैप्लॉइड होने चाहिए, वो आएंगे और फ्यूज़ करेंगे। इन सम फंजाई, कुछ फंजाई के अंदर द फ्यूज़न ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स, यानी कि फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके तुरंत डिप्लॉइड बना लेते हैं कुछ फंजाई में, लेकिन हाउ मतलब लेकिन इन अदर फंजाई, कुछ फंजाई जैसे कि एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में तुरंत डिप्लॉइड सेल नहीं बन जाते, इनके बीच में कुछ इंटरवल पाया जाता है, और इस इंटरवल में ये लोग डाइकैरियोटिक स्टेज यानी कि टू न्यूक्लियाई पर सेल, एन प्लस एन टू न्यूक्लियाई पर सेल कंडीशन पाया जाता है जिसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज, यानी कि डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन कंडीशन है। फेज कौन सा है, डाइकैरियोफेज, और कंडीशन कौन सी है, डाइकैरियन। डाइकैरियन ये किस फंजाई में पाई जाती है, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम्स डिप्लॉयड, बाद में इंटरवल के बाद ये लोग पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड सेल बना लेते हैं, सेल जो है डिप्लॉयड हो जाता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन आकर्स, जो फंजाई होता है इनमें फ्रूटिंग बॉडीज फार्म होता है, और इसी फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस होता है, और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन हो जाती है, हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं।
और फंजाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और ये कौन कौन से क्लासेस हैं? चार क्लासेस हैं मेनली, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। यानी कि किंगडम फंजाई को अलग अलग क्लासेस में, क्लासेस आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें डिवाइड किया गया है। और ये क्लासेस किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम इंटू वेरियस क्लासेस। यानी कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, इनमें मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, और इनमें किस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज बन रही है। इस बेसिस पे जो है फंजाई को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज दो टर्म से बना हुआ है, फाइको प्लस माइसिटीज। फाइको का मतलब, बायोलॉजी में फाइको का मतलब होता है एल्गल या एल्गी, और माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई। यानी कि फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं एल्गल फंजाई। इसीलिए मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस आर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड ऑन प्लांट्स। यानी कि जो फाइकोमाइसिटीज के एल्गल फंजाई के मेंबर हैं, ये एक्वाटिक हैबिटेट्स यानी कि वाटर में पाए जाते हैं, एंड ऑन डिकेइंग वुड, और ऐसे वुड पे पाए जाते हैं जो डीके कर रही हों, जो डिकम्पोज कर रही हों, इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, कहाँ पे, जहाँ पे मॉइस्चर हो और छाया वाले स्थानों पे पाए जाएंगे, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, या तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट पैरासाइट, यानी कि ये प्लांट पे या तो एकदम स्ट्रिक्टली पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें जो माइसीलियम होती है वो एसेप्टेट होती है और सीनोसिटिक होती है। एसेप्टेट और सीनोसिटिक का क्या मतलब हुआ? जो इसमें माइसीलियम होती है एसेप्टेट और सीनोसिटिक होती है, यानी कि जो माइसीलियम होती है, ऊपर हमने दिखाया था ये वाला, इनकी माइसीलियम कैसी होती है? एसेप्टेट, यानी कि इनमें सेप्टा नहीं होता। दूसरा वाला डायग्राम देखिए, सीनोसिटिक हाइफी वाला, यहाँ पे कोई भी, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में है सेप्टा, ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ पे सेप्टा है, सेप्टा देखने को मिल रहा है। इनकी जो माइसीलियम होती है वो एसेप्टेट होती है, कोई भी सेप्टा नहीं होता, और ये सीनोसिटिक कंडीशन होती है। यानी कि फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम है वो कैसी है? एसेप्टेट है, और कैसी है? सीनोसिटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लैनोस्पोर्स। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जूस्पोर से होता है, जो कि मोटाइल स्पोर है, या तो एप्लैनोस्पोर्स, जो कि नॉन मोटाइल स्पोर है, उसके थ्रू होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। और जूस्पोर और एप्लैनोस्पोर कैसे हैं? एंडोस्पोर हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, इसीलिए कैसे स्पोर है? एंडोस्पोर। और जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, और जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमस और डिसिमिलर एन आइसो आर ऊ गैमस। यानी कि जब मॉर्फोलॉजी, इन गैमिट्स जो दो गैमिट फ्यूज करके जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये दो गैमिट या तो सिमिलर मॉर्फोलॉजी में होंगे, सेम शेप और साइज के होंगे, तो उनको बोलेंगे आइसोगैमस, या तो इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, तो उसको या तो एन आइसो बोलेंगे या तो ऊ गैमस बोलेंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस जिसको ब्रेड मूड बोलते हैं, एल्ब्यूगो, जो कि एल्ब्यूगो कैंडिडस, जो मैंने बताया कि वाइट, जो वाइट रस्ट होता है, वाइट स्पॉट होता है, वाइट रस्ट नहीं, वाइट स्पॉट होता है मस्टर्ड के लीव्स में, वो किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूगो की वजह से होता है। तो राइजोपस, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ये तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं कॉमनली सैक फंजाई, एंड द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर। मोस्टली एस्कोमाइसिटीज कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, फंजाई ही मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम कैसा है? मल्टी सेल्यूलर, लेकिन कुछ और रेयरली यूनिसेल्यूलर, बहुत ही रेयरली एस्कोमाइसिटीज का एक मेंबर जैसे कि ईस्ट, यू यूनिसेल्यूलर होता है। और ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर, जिसका यूज होता है ब्रेड और बियर बनाने में, जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई में पढ़ा। और ईस्ट का एग्जाम्पल है साइक्रोमाइसिस। साइक्रोमाइसिस क्या है? एक ईस्ट है जिसका यूज किस में होता है? ब्रेड और बियर बनाने में होता है।
दे आर सेप्रोफिटिक, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब ये अपना फूड कैसे लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, और या तो ये डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, ये या तो डिकम्पोजर्स होते हैं, या तो ये पैरासाइट हो सकते हैं, पैरासाइट एनिमल पे हो सकते हैं या प्लांट पे हो सकते हैं, या कोप्रोफिलस हो सकते हैं, कोप्रो का मतलब था डंग, फिलस का मतलब लवर, यानी कि डंग लवर, यानी कि ये डंग पे ग्रो कर जाएंगे, जहाँ पे खाद वाद फेंकी रहती है वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं, गोबर की खाद वाद जहाँ पे फेंकी रहती है वहाँ पे कौन ग्रो कर जाते हैं, एस्कोमाइसिटी, यानी कि ये कोप्रोफिलस हैं, डंग लवर हैं, यानी कि डंग पे ग्रो करते हैं। इनमें माइसीलियम कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है, माइसीलियम कैसी होती है, ब्रांच्ड और सेप्टेट। तो देखिए ये वाला डायग्राम आप लोग, मैंने ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ है, इनमें माइसीलियम कैसी होती है, ब्रांच्ड और सेप्टेट, ये वाला देखिए डायग्राम, ये माइसीलियम है, ये ब्रांच्ड हो गई है, तो ब्रांच्ड हो गई तो इनमें अलग अलग सेप्टा पाए जा रहे हैं, सेप्टा पाए जा रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रही है, ब्रांच्ड हो जा रही है, तो ये सेप्टेट है और ब्रांच्ड माइसीलियम है। केवल फाइकोमाइसिटीज में ही ए सेप्टेट कंडीशन होगी, जिसको बोलेंगे सीनोसेटिक, वहाँ पे कोई भी सेप्टा या वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, तो वॉल नहीं प्रेजेंट होगी तो सारे सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही जगह आ जाएंगे, मतलब एक ही सेल के अंदर, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन किसमें होती है, फाइकोमाइसिटीज में, बाकी जितने भी हैं, बेसिडियो है चाहे एस्को है चाहे ड्यूट्रोमाइसिटीज, सब के सब सेप्टेट होंगे, और जब भी सेप्टेट होंगे तो पक्का है कि ब्रांच्ड होंगे, ब्रांच मतलब कि इनमें ब्रांचिंग पाई जाएगी, और इनके बीच में सेप्टा होगा, सेप्टा मतलब वाल हो जाएगी, और ये यूनि न्यूक्लिएट हो जाएंगे। मल्टी न्यूक्लिएट केवल और केवल फाइकोमाइसिटीज में होता है, बाकी बेसिडियो एस्को और ड्यूट्रो में सिंपल सिंपल सेप्टेट होते हैं, मतलब इनमें केवल और केवल क्या होता है, यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि जो फाइकोमाइसिटिट ए सेप्टेट हो गया, बेसिडियो इनमें ए भी सेप्टेट होते हैं, इसको भी सेप्टेट होते हैं, ड्यूट्रो भी सेप्टेट, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में एक स्पेशल कंडीशन डाइलिपोर सेप्टम पाया जाता है। डाइलिपोर सेप्टम सीधे MCQ पूछ देता है कि डाइलिपोर सेप्टम किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज, ये जनरली सेप्टेट ही होते हैं लेकिन अलग तरह से सेप्टाइन में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइलिपोर सेप्टम, ये इसका बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आ जाता है। तो इनका जो एस्कोमाइसिटीज हैं ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं, ब्रांचिंग इनमें पाई जाती है और सेप्टा बीच में होती है, तो यूनिन्यूक्लिएट हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडियो प्रोड्यूस एक्जोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियो फोर्स, यानी कि इनमें जो ए सेक्सुअल स्पोर होता है जिसको कोनिडिया बोलते हैं, वो एक्जोजीनसली प्रोड्यूस्ड, एक्जो मतलब बाहर प्रोड्यूस होता है एक स्पेशल माइसिलियम पर, जिसको बोलते हैं कोनिडियो फोर, यानी कि कोनिडियो फोर एक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे कोनिडिया प्रेजेंट होगा, और ये कोनिडियो फोर होते कहाँ पे हैं, माइसीलियम पे होते हैं, कोनिडिया आन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, और ये कोनिडिया बाद में जर्मिनेट करके माइसीलियम बना लेता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्को स्पोर्स, यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको एस्को स्पोर्स बोलते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, जो कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस यानी कि अंदर प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम के अंदर, एस्को स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजियम के अंदर, इन सैक लाइक स्काई, सैक लाइक मतलब, सैक मतलब होता है थैला, सैक मतलब क्या होता है बैग, बैग लाइक स्ट्रक्चर स्काई के अंदर, यहाँ पे एस्को स्पोर जो है एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, अंदर प्रोड्यूस होता है, सैक लाइक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्काई बोलते हैं, जिसका सिंगुलर एस्कस होता है उसी के अंदर बनते हैं। दीज स्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्को कार्प्स, और ये स्काई जो है अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ में क्या होते हैं, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज्ड होते हैं, इसको बोलते हैं एस्को कार्प्स। और कुछ एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज के हैं, जैसे कि एस्परजिलस हो गया, क्लाइविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, और न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, यानी कि जो न्यूरोस्पोरा होता है ये बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स की स्टडी में, बायोकेमिकल की स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसे ही एक एनिमल किंगडम में होता है ड्रोसोफिला, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, वो एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा यूज होता है जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स में बहुत सारी स्टडीज उस पर हो चुकी है। वैसे ही प्लांट में अगर किसी की स्टडी हुई है, अरे फंजाई में, सॉरी फंजाई में किसी की स्टडी हुई है तो वो न्यूरोस्पोरा की हुई है, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी इनके ऊपर हुई है, और एनिमल में मैंने क्या बताया, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पे बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है, और ये
इनको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसीडर्ड डेलिकेसीज। यानी कि एस्कोमाइसिटीज में बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जिनको खाया जाता है, एडिबल होते हैं ये, जैसे कि मोरल्स एंड ट्रफल्स। हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, क्लाइविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स, और ये पेनिसिलियम और ईस्ट। ईस्ट का एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस, जिसे ब्रेड और बियर बनाई जाती है। बेसिडियोमाइसिटीज, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पपबॉल्स। यानी कि इनका कॉमन नेम क्या है, मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई है या पपबॉल्स है। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट। ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ये लकड़ियों के गुटकों पे ग्रो कर सकते हैं, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो कर सकते हैं, और ये प्लांट बॉडी के अंदर पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं, जैसे कि रस्ट और स्मट कंडीशन में ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इनमें भी माइसीलियम कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, और कैसी होती है, सेप्टेट होती है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। केवल फाइकोमाइसिटिट में ही एसेप्टेट और सिनोसिटिक, बाकी जितने तीनों हैं एस्कोबेसिडियो और ड्यूट्रो, तीनों में तीनों कैसा पाया जाएगा, सेप्टेट पाया जाएगा और ब्रांच्ड पाया जाएगा। एसेक्सुअल स्पोर इनमें नहीं पाया जाता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन से होता है, देखने को मिलता है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। कैसे, बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव आर सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन आर जीनोटाइप। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। किससे होता है, दो वेजिटेटिव आर सोमैटिक सेल, या तो दो वेजिटेटिव अथवा सोमैटिक सेल फ्यूज करते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप की, यानी कि एक प्लस टाइप का होगा तो दूसरा माइनस टाइप का होगा, तो ये होगा डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप के, वो आते हैं और फ्यूज करते हैं, तो यहाँ से प्लाज्मोगैमी होता है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। यानी कि जब ये प्लाज्मोगैमी फ्यूज करता है तो डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, जो कि क्या देती है, बेसिडियम देती है। और यहाँ पे ये प्लाज्मोगैमी हो गया, इसके बाद होगा कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर्स। और ये जो बेसिडियम बनी है इनमें अब होगा कैरियोगैमी, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा। पहले प्लाज्मोगैमी हो गया, अब कैरियोगैमी होगा न्यूक्लियस, उसके बाद हो जाएगा मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, जिसकी वजह से हैप्लॉइड, फोर हैप्लॉइड बेसिडियम, वो फोर हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स बेसिडियम से प्रोड्यूस हो जाएंगे। द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्जोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, यानी कि जो बेसिडियो स्पोर्स होंगे वो एक्जोजिनसली, यानी कि बाहर प्रोड्यूस होंगे, बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस्ड होंगे। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प्स। और ये जो बेसिडिया है ये फ्रूटिंग बॉडीज के रूप में अरेंज्ड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ऐसे हम लोग एस्कोमाइसिटीज में पढ़ रहे थे, वो भी फ्रूटिंग बॉडीज के रूप में अरेंज हो रहे थे, वहाँ पे एस्कोकार्प बन रहा था, यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियोकार्प बन रहा था। और इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एगेरिकस, जिसको बोलते हैं मशरूम, कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं, और एक होता है यूस्टिलैगो, यानी कि स्मट फंजाई है बेसिडियोमाइसिटीज का। और रस्ट फंजाई कौन है, पक्सिनिया। और लास्ट क्लास है फंजाई का, कॉमन ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी सेक्सुअल फॉर्म इनमें नहीं पाया जाता है। ओनली द एसेक्सुअल आर वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन, इनमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज इनका पाया जाता है। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belongs to. यदि इनमें sexual classes कोई find भी कर लिया गया तो वो दूसरे class, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। अगर इनमें कोई सेक्सुअल स्टेज पाई नहीं जाती, अगर पाई भी गई, कभी डिस्कवर्ड हो गई, तो उनको अलग क्लास में रख दिया जाएगा जिसमें ये बिलोंग करते होंगे। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। मतलब यहाँ पे एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे दिया गया है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज, लेकिन इसको किस में रखा गया होगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखा गया होगा। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, लेकिन यहाँ पे जो सेक्सुअल स्टेज है उसको अदर क्लास में रख दिया गया होगा,
जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, यानी कि ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे दिया गया है और इसको ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर रख दिया गया ऐसे ऑर्गेनिज्म को, और जो इसमें सेक्सुअल स्टेज होगा तो उसको अलग क्लास में रख दिया जाएगा, जैसे कि एस्को या ड्यूट्रो। हम लोग फाइको में क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज बहुत पुराना फंजाई है, तो ये सबसे एडवांस टाइप के हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो ये अपने जस्ट अगल बगल वाले में एकदम पुराने वाले में नहीं रख दिए जाएंगे। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर इस्टेब्लिश्ड, जब बाद में इनमें लिंकेज इस्टेब्लिश हो जाएगा, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज, यानी कि जब इसमें सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड हो जाएगी तो अलग स्टेज अलग क्लास में इनको मूव कर दिया जाएगा, अलग क्लास में रख दिया जाएगा। वंस परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट स्टेज कौन सी है, सेक्सुअल स्टेज, आप द मेंबर ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, जब इनके सेक्सुअल स्टेज ड्यूट्रोमाइसिटीज की डिस्कवर्ड हो जाएगी तो इनको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा। क्यों हम लोग फाइकोमाइसिटीज में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना क्लास है, और तो और हम लोग पढ़े हैं कि जो एस्को है बेसिडियो ड्यूट्रो सब ये सब सेप्टेट है, लेकिन जो फाइको है वो ए सेप्टेट है, इस वजह से भी इसमें नहीं रखते हैं, पूरा का कैरेक्टर ही चेंज हो जा रहा है। द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, और जो ये ड्यूट्रोमाइसिटीज हैं केवल और केवल एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं कोनिडिया। इनमें जो माइसीलियम होती है वो सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है, यानी कि इनकी माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होती है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, कुछ मेंबर इसमें सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट या तो पैरासाइट होते हैं। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, और इनमें लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, किसके, लीटर्स एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और क्या किसके डिकम्पोजर होते हैं, लीटर्स के, और ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा है। तो इस तरह से हमारा फंजाई ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।